दोस्तों लोकसभा टाइम चैनल में आपका स्वागत है। हिसार के पूर्व सांसद यानी करंट सांसद इस टाइम है ब्रजेंद्र सिंह। अब उचाणा में आ गए हैं, बीजेपी पार्टी को छोड़कर ये कांग्रेस ज्वाइन किया इन्होंने, अब ये जनता को संबोधित करेंगे। देखो ये राजीव गांधी महाविद्यालय के अंदर इस टाइम है, आप दिखाएंगे, आपको दिखाते हैं। हेलो ये पूरी जनता यहाँ इस टाइम खड़ी है, ये अब जनता को संबोधित करेंगे सांसद ब्रजेंद्र सिंह, आपको दिखा रहे हैं। में शामिल होने के बाद पहली बार उचाणा में आए हैं, उनका जोरदार तालियों से स्वागत करें। बड़ा सीधा सा सवाल, हालांकि उसकी की तुक बनती नहीं, फिर भी पूछूंगा, राजी हो? मन की होगी? 2 अक्टूबर को तो चौधरी साहब ने कही दीवा भी पूरी होगी, रहा नहीं पा रहा उसने कितने जानकारी भी। मैं आज अपने सभी बुजुर्गों को, नौजवान साथियों को बहुत बहुत उनका धन्यवाद करता हूं कि आज आप लोगों ने मुझे इस तरह से यहां पे सम्मानित किया, इस प्रकार से मेरा स्वागत किया, आपका बहुत बहुत आभार। ईमानदारी से बताऊंगा, ऐसी चमक मैंने आप लोगों के मुंह पे बहुत साल बाद देखी। मतलब मैं ब्रजेंद्र सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद ब्रजेंद्र सिंह जिंदाबाद। जब हम चल रहे थे, मैं एक चीज भांप रहा था कि यो झंडा पकड़न में जितना जोश तारे मार है उतना दूसरे आड़े में कभी नहीं आया। हालांकि उन्होंने बड़ा हमारा मान सम्मान रखा, सारी बात थी, लेकिन जी नहीं लग गया था, कभी जी नहीं लग गया था। और मैं 10 तारीख से जब से पार्टी से इस्तीफा दिया था, भारतीय जनता पार्टी से और कांग्रेस ज्वाइन करी थी, तभी से जितने भी मेरे पत्रकार बंद हुए वो एक ही सवाल पूछते हैं, हालांकि जवाब मेरा हर बार वही होता है कि जी आपने छोड़ी क्यों। कमाल की चीज ये, न्यू नहीं पूछते कि कांग्रेस में क्यों आए, यहां तक पूछे कि बीजेपी क्यों छोड़ी, क्योंकि शायद आज के दिन हम इतने क्या बोलूं सनकी हो चुके हैं कि यदि कोई आदमी निर्णय लेता है तो उसका जमा भाग गुणा वो करके जब तक नहीं देख लेते आदमी के तसल्ली नहीं होती कि कुछ तो कारण होगा। मैं आपको सीधी सी बात बताता हूं, ये मत सोच लेना कि आसान रास्ता है, गलत फहमी में मत रहना इस चीज के, बहुत कड़ा संघर्ष होगा। और मैं सिर्फ इन 2 चुनाव की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ असेंबली के चुनाव और लोकसभा के चुनाव की बात नहीं कर रहा, मैं एक लंबी जद्दोजहद का जिक्र कर रहा हूं जो हमको करनी पड़ेगी और उसमें हम सबको साथ होकर चलना पड़ेगा। उसमें जितने भी हमारे समाज के वर्ग हैं, जो हमारी 36 बिरादरी हैं, सारे भाइयों और बहनों को लेकर साथ चलना पड़ेगा। ये मत सोच लियो कि किसी एक वर्ग या 2 वर्गों में काम चल जाएगा, क्योंकि यही खेल है सारा का सारा, ये तोड़ने वाला जो सिस्टम है, अगर हम अपने जोश में होश खो बैठे और उसी पर हम भी चल दिए तो बहुत दिक्कत आएगी आने वाले समय में, ये चीज याद रखना। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि चौधरी साहब ने पिछले 52 साल से यहाँ राजनीति करी है ना, उसको थोड़ा समझने की कोशिश करो कि किस प्रकार से उन्होंने इस हलके के हर वर्ग के लोगों को जोड़ा था, खास तौर पे जो हमारा गरीब समाज है, जो हमारा शोषित समाज है, उसको किस प्रकार से वो साथ लेके चले हैं। कभी उनको ये भावना नहीं आने दी कि तुम पीछे छुटोगे या तुमको हम दोयम दर्जे में बना के रखेंगे, वो एक चीज थी जो बहुत बड़ी शक्ति थी उनकी, और वही चीज आगे बना के चलेंगे तभी हमको कामयाबी मिलेगी, अन्यथा हम अपने रास्ते पर पूरा सिरे नहीं चढ़ पाएंगे। मैंने पार्टी क्यों छोड़ी, आप मेरा परिवार हो सारे के सारे, बिल्कुल स्पष्ट बात करूंगा मैं, यहां कोई घुमाने फिराने की मेरे को आदत है नहीं और ना मैंने आती।
जब मैं 2019 में संसद में पहुंचा, बीजेपी ने मेरे को टिकट दिया, मोदी जी का उस समय बड़ा जलवा चल रहा था और बहुत वो कहना मोखली जीत मिली थी आप सबके सहयोग से, और मेरे को बहुत बड़ा एक मौका मिला संसद में जाने का। ये मेरा एक छोटा भाई खड़ा है यहाँ, आदित्य दैया, ये वो इंटरव्यू वगैरह करता है, पिक्चर भी बनाता है। यो एक दिन मेरे को पूछा इंटरव्यू में, अग्री आपकी पहचान क्या बना पाए? मैंने कहा तू एमपी बनना इतना अलग लड़का ला रहे सिर्फ इसलिए कि मोकली मिल गई, आसान मिल गई, इसका ये मतलब नहीं है कि ये छोटी चीज है। तो मेरे लिए लेकिन बहुत जल्दी मेरे को ये समझ में आनी शुरू हो गई थी, क्योंकि मेरे जितने भी साथी वहां बने संसद में, मेरा जो जिनके बीच में मैं था उनसे मेरा मेल नहीं खाता था किसी भी तरह का, ना तो मैं वैचारिक रूप से उनकी तरह सोच पाता था और ना व्यक्तिगत तौर पे। और मैं आपको सही बताऊं, मेरे अंदर नफरत लेश मात्र भी नहीं। और वहां पे कुछ ऐसा है कि आपको एक दो जगह एक कुछ ऐसी बातें कहनी पड़ती हैं, या ऐसे ये क्या करें ऐसी बातें अपेक्षित होती है अपनी पार्टी के नेताओं से या कार्यकर्ताओं से, वो मेरे बस का नहीं था। खैर, लेकिन क्योंकि मैं संसद में गया था, मैंने जितना मैं अपने अंदर अपनी आत्मा को समझा के जितना मैं कर सकता था मैंने अपनी तरफ से ठीक करने का प्रयास किया। लेकिन जैसे मैंने अपने इंटरव्यूज में भी कई बार कहा है, मैं बहुत असहज था वहां पर। जैसे मैंने कहा, मेरा मन नहीं लगता था, मेरे को ना उनकी बात अच्छी लगा करती, ना जिस तरह से वो उस बात को करते थे मेरे को कभी अच्छा नहीं लगता था। मैं आपको ईमानदारी से बताता हूँ, पूरी शिक्षा दीक्षा जो थी वो सब मेरे को ये लगता था कि किस लिए करी थी, अगर यूं ही सब सुनना था यहाँ पे तो। जिस जवाहरलाल नेहरू ने इस देश की संरचना करी, ये सुनिश्चित किया कि ये देश एक रहे, विभाजित ना हो, ये मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि आज के दिन नेहरू को एक भद्दा नाम बना दिया है इन लोगों ने। और मेरी पूरी शिक्षा दीक्षा जो है उसमें कहीं ऐसा आभास नहीं हो सकता कि उनकी भूमिका को आप कलंकित कर सको। जिस आदमी ने लंबा राज करा हो उसमें आप 36 कमियां निकाल सकते हो, लेकिन ये मत भूलो वो समय कौन सा था। आप नए नए आजाद हुए थे 200 साल की गुलामी के बाद, आपका उस समय ताजा ताजा बंटवारा हुआ था, आपके पास लोगों को खिलाने के लिए कुछ नहीं था, आपके देश के ऊपर विभाजन की दूसरी स्थिति भी पैदा हुई हुई थी। ऐसा नहीं था कि वो सिर्फ एक बंटवारा हो गया था और वही बात खत्म हो गई थी। जो उस समय के जो बुद्धिजीवी विद्वान लोग हैं उनका यह मानना था कि हिंदुस्तान में जिस प्रकार की विभिन्नता है, जो पाकिस्तान तो फिर भी क्योंकि एक धर्म के हिसाब से बनाया है न्यू का न्यू खड़ा रहोगा, यो हिंदुस्तान तो इस पे बिरानी कितने टुकड़ों में बटेगा। लेकिन वो एक दूरदर्शिता थी जो संविधान हमको दिया, जो ये जो हम सारे जो इलेक्शन वाली मशीन जो बन रहे हैं सारे के सारे, और जो इतना चस्का आ रहा है सब नई वोट देने का और वोट के टाइम स्वाद लेने का, ये सारी की सारी तब की देन है। ये जो सरकारों को बदलना, उठा पटक करना, अपने मन मुताबिक अपनी सरकार बनाना, ये सिर्फ उस संविधान की देन है जो नेहरू और अम्बेडकर ने दिया। और उसमें बहुत बड़ी बड़ी शख्सियत और थी, उनको आप गिन सकते हो, चाहे वो सरदार पटेल थे, चाहे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, उसके अलावा जो हमारे क्रांतिकारी थे जिन्होंने कुर्बानियां दी, उस तरह के लोग थे। लेकिन सुभाष चंद्र बोस की बहुत बड़ी भूमिका थी। लेकिन एक ऐसा माहौल बनाया गया कि वो महान हस्तियां जिन्होंने हमारी आजादी के लिए लड़ाई लड़ी, उन्हें आज के दिन 70 साल के बाद एक ऐसा लोगों का समूह जिनकी उस लड़ाई में कोई भूमिका नहीं रही, दिन रात गाली बकते हैं और हम सुनकर ताली बजाते हैं। क्यों? क्योंकि हम इतिहास नहीं पढ़ते, जो हम ये व्हाट्सएप पे देख लेते हैं वो हमारे लिए सच्चाई हो जाती है। अब चीन इतने हजार किलोमीटर खा गया, फलाना हो गया, ढिमकाना हो गया, ईब क्या हो रहा है, ईब क्या हो रहा है, ईपी भी वो है। लेकिन अब हम मजबूती में है, उस समय हम बहुत कमजोर थे। उस समय आपने बेरा हिंदुस्तान का पहला बजट जो था 1948 में जो पेश हुआ वो कितने करोड़ का था, तो थोड़ा बता दूं क्योंकि ये आंकड़े नहीं लगा करें क्यों इसी बात कर रहा है। आज के दिन हमारा जो बजट है इस साल का वो 47 लाख करोड़ का है,
1948 का जो बजट था वो सारा ही 197 करोड़ का था, 200 करोड़ का भी बजट होनी था वो, और उस 197 करोड़ में से 92 करोड़ सिर्फ और सिर्फ हमारी ये जो फौज है इसके लिए था। तो स्थिति वो थी कि वो क्या कह रहे हैं, नंगा नावक है निचोड़े थे। तो ये इस स्थिति से हम उभरे थे, और अपने इर्द गिर्द नजर मिला फैला के देखना, खासतौर पर जवान बच्चे हैं, मैं इनको संबोधित कर रहा हूँ, जो मेरे से ऊपर वाली पीढ़ी है या जो थोड़े मेरे बराबर के भी हैं, उनके तो जो बात समझ में आ रही है वो आ रही है, क्योंकि युवा पीढ़ी है जो प्रभावित हुई हुई है इन नई नई चीजों से। ये नया नया जो शगुफा छोड़ रखा है कि ये सारा ने पता नहीं क्या मिलकर सत्यानाश कर दिया था। उस समय जितने भी देश आजाद हुए थे, चाहे वो हिंदुस्तान के इर्द गिर्द थे चाहे वो दुनिया में थे, वो या तो विभाजित हुए हैं या उनके अंदर सिविल वॉर चली है, और या उनके अंदर तानाशाही का राज हुआ है। कहीं पे भी संविधान के हिसाब से लोकतंत्र यदि स्थापित रहा है और देश मजबूती से एक रहा है तो सिर्फ हिंदुस्तान में रहा है और कहीं नहीं रहा। तो ये एक शुरुआत थी। ये शुरुआत का मैंने जिक्र किस लिए किया है, ये मैंने प्रेस में अभी तक जिक्र नहीं किया। जो पहला सेशन जब चला था, जब धारा 370 और 35 से हटाई गई थी, उसके अंदर जो भाषण दिया गया था वो भाषण 370 और 35 के बारे में कम था और नेहरू को गाल पकड़ का ज्यादा था। मेरी आत्मा इतनी उस समय दुखी हुई थी। मेरा एक दोस्त है जिसका मैं बहुत सम्मान करता हूँ, स्कूल कॉलेज से मेरे साथ पढ़ा है वो। मैं जब वह भाषण चल रहा था ना, मैं उतना तंग हो लिया था उस भाषण से कि मैं बाहर आके मैंने अपने उस दोस्त को फोन करा। तो बोला क्या बात? मैंने कहा जी कर रहा इस्तीफा दे दूं। मेरे को उसकी लाइन भूलती नहीं आज तक। ने बोला एक साल में दो नहीं दिया करते, मैं नौकरी छोड़ गया। तो खैर मैंने अपने मन को मना लिया, गाड़ी चलती रही जिस भी स्पीड से जैसी भी वो चल रही थी। लेकिन उसके बाद जो ये 3-4 घटनाएं हुई, मैंने जिनका उल्लेख बड़े विस्तार से किया है, चाहे वो आपके कृषि के कानून थे, चाहे वो जो पूरी फौज की जो भर्ती का जो सिस्टम बदला गया सारा का सारा, ये जो अग्निपथ स्कीम के नाम से, अग्निवीर स्कीम के नाम से, चाहे वो था, और चाहे हमारी अंतरराष्ट्रीय ख्याति की जो महिलाएं हैं रेसलर्स, चाहे उनका मुद्दा था, इनको जिस प्रकार से, मैं डील करा नहीं कहूंगा, जिस प्रकार से बुनाया गया, जिस प्रकार से इनको इनका समाधान निकालने की बजाय जिस प्रकार से इनसे समाज को किस प्रकार से विभाजित किया जा सके उसका जो प्रयास किया गया, मैं उससे बिल्कुल सहमत नहीं था। और मैं शायद वाहिद इकलौता भारतीय जनता पार्टी का एमपी था जो मैं अग्निवीर पे भी बोला था पब्लिकली। मैं महिला पहलवानों के पक्ष में भी आया था, और मेरे पिताजी तो किसान आंदोलन के लिए उनके वहां जाके भी बाहर बैठ गए थे भाई। लेकिन यह है कि एक और आई थी बात। एक तो मैंने आपको जिक्र करा कि जो पहले वाला इस्तीफा जब मैंने सोची थी, जब वो बोला कि एक साल में दो नहीं दिया करते, जब ये किसान आंदोलन पूरा जब उरूज पे चढ़ा ना, तो मैं एक दिन, एक मेरे वरिष्ठ सांसद हैं हरियाणा से, नाम नहीं लूंगा क्योंकि आजकल वो ठीक नहीं रहता, पार्टी भी बदल ली मैंने, क्यों सीधी सी कर मैं उनके साथ बैठा सेंट्रल हॉल में। मैंने कही थी मेरा कति जी नहीं कर रहा यो ये बात, तो मैंने कहा हालात जो है वो बेकाबू हो लिए और लोगों में जाना मुश्किल हो रहा है। मैंने कहा छोड़ छाड़ दे के, बोला ये गलती ना करती है। मैंने कहा जी क्यों करता, तो एक उदाहरण दूंगा। अब वो इस दुनिया में नहीं है, चंद्रावती जी होती थी एक बहुत बड़ी सीनियर नेता, उन्होंने जो पहली बार SYL पे जो आंदोलन हुआ था ना, वो उससे प्रभावित होके उन्होंने MLA से इस्तीफा दे दिया। पूरी जिंदगी MLA नहीं बनी दोबारा, गवर्नर तो बनी थी लेकिन MLA दोबारा कभी नहीं बन पाई। तो हमारी राजनीतिक व्यवस्था जो है उसमें कोई भी मुद्दा जो किसी एक समय पे बहुत भावुक हो सकता है, लोगों को बड़ा आंदोलित कर सकता है, उत्तेजित कर सकता है, लेकिन यह जो इलेक्शन वाली जो राजनीति है वो एक अलग किस्म की चीज है। उसमें आप रोज ही अदला बदली नहीं कर सकते। और मेरे को क्योंकि पढ़ाई लिखाई कर रखी है,
तो ये दल बदलू शब्द से मेरे को भी बड़ी समस्या थी और मैं तो पहली बारी में बदल गया। जी कोनी लाग गया था जी उड़ा। पहली बार बनाया था राजनीति में पहली बार आया था। तो खैर तो ये तीन चीजें थी और इसके अलावा और कई मुद्दे थे जिनसे मेरे को बड़ी तकलीफ थी, लेकिन मैंने जो मेरा एक सांसद होने के नाते जो फर्ज था, चाहे वो लोगों के प्रति हो चाहे वो संसद में बात रखने की बात हो, मैंने जितना मेरे बलबूते में था वो मैंने करने का प्रयास किया। लेकिन उसके साथ साथ जो प्रदेश की राजनीति है उसमें जो स्थिति थी वो एक बिल्कुल अलग कहानी थी। वो मैंने कई बार यहाँ अपने कॉलेज में प्रोग्राम होया था जब उस समय हमारे प्रभारी भी आए थे भारतीय जनता पार्टी के, तब भी मैंने बात कही थी। मैंने कहा जी 40 MLA मारी पार्टी के, सरकार कहण ने मारी पार्टी की, और वो इतनी 2 इंच की पार्टी सारा सत्ता में वो बैठे। लेकिन आज इतनी खुशी है इस बात की कि आपके चेहरे पे तो मैं खुशी देख रहा हूँ, जबकि 5 साल हमारा कुछ नहीं होया, और जिनने 5 साल मौज ली है आज जो उनकी गत बनी हुई है, मतलब उनके आप किसी व्यक्ति से मिल लो अगर कोई मुस्कुराता पा जाओ, आपने किसी के चेहरे पे हंसी मिल जाओ या किसी की आंखों में चमक मिल जाओ, मेरा नाम बदल दियो। और फिर ये कहे मैं जब गया तो मेरे को न्यू बोले रोहतक से लड़ ले। मैं तो न्यू बोला जी रोहतक रात तक छोड़ो, मना तो 5100 की पेंशन दे दो। अरे 5100 डकार रहा क्या, 5100 करोड़ न्यू 5100 की बात करे वो, मतलब ऐसा होता तो 4.5 साल में कहीं तो तोड़ करता। इब्बी भी तोड़ करण की बात वो नहीं कह रहा, इन्हों के टिकट को नहीं थी मारते इसलिए छोड़ू हूँ, ये नहीं कह रहा कि मैं इनसे नाराज हूँ या मैं इस सरकार से परेशान हूँ। वो अभी भी शहीद बनने की कोशिश नहीं कर रहा, क्योंकि उसे पता है कि एक तो उसकी शहादत ने कोई माने नहीं, क्योंकि अब वो फ्रॉड साबित हो चुका है बिल्कुल पूरी तरह से, उसको कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। आप सोचो कोई पार्टी जो 4.5 साल सरकार का हिस्सा रही हो और ऐसा हिस्सा रही हो जिससे बाकी सारे दुखी रहे हों, वो पार्टी आज के दिन ये फैसला नहीं कर पा रही कि तुमने लोकसभा चुनाव लड़ना भी है कि नहीं लड़ना। मतलब कोई राजनीतिक पार्टी उसकी क्या हैसियत है जो जिनमें चर्चा ये चल रही है कि लोकसभा चुनाव लड़े कि नहीं लड़े। तो किस प्रकार से लोगों के साथ एक राजनीतिक धोखा किया गया था वो उसका एक परिणाम है। मैं हमेशा दोनों बातों में फर्क करता हूँ, भाजपा में और उनमें। भाजपा से आपकी नाराजगी हो सकती है लेकिन भाजपा जो है वो है, जो है वो है, आपको दिखता है वो क्या है, आप वोट दे रहे हो या नहीं दे रहे, आप अपने अनुसार दे रहे हो उनको जान के कि ये क्या है। लेकिन इन लोगों ने जिस चीज के लिए जिन मुद्दों पे वोट मांगी वो सारे के सारे 2 दिन के अंदर दत्ता कर दिए, और वो दिमाग बैठ गए। चलो 15 साल से बाहर थे, वर्कर भी त्रस्त हो रहे थे, दुखी हो रहे थे जी कि मैं दाल पानी का इंतजाम कर दो, तो वहां तक भी बात समझ में आ सकती थी। हमेशा लोगों को यह शंका होती थी कि एनडी है कोई बड़ा मौका होगा, खासतौर पर किसानों का मारेगा ठोकर और आ जाएगा दोबारा पब्लिक में। किसान आंदोलन के लिए ऐसे शब्द बीजेपी ने नहीं इस्तेमाल करे जो इनने करे, ठीक है जी। मतलब किसान और किसान कौम को जो बेइज्जत करने का काम इन्होंने किया है वो किसी ने नहीं किया। और मतलब कमाल है, चलती रही गाड़ी चलती रही और आज इस मुहाने तक पहुंचे। अरे रुक जाओ, किसी और में ले आओगे। ये कुछ ये 3-4 मोटी मोटी चीजें थी। हाँ, लेकिन ये है कि मैं कोई राजनीति में 26-27 की उम्र में नहीं आया हुआ, मैं अच्छी खासी नौकरी करके आ रहा हूँ। ये मेरे को हालांकि युवा नेता कहते रहे लेकिन मैं 50 तप रहा हूँ, ठीक है। तो इसलिए मैं उतना उत्तेजित होकर फैसला नहीं करता, लेकिन ये फैसला मैंने अपने पिताजी को काफी समय पहले बता दिया था। मेरे पिताजी के खास तौर पे जो उनके कई पुराने साथी हैं 40-40 साल पुराने, उनके साथ आज से 1.5-2 साल पहले भी जब बात होती थी ना, तो उन्होंने कहा करते भाई तेरी चुपचाप क्या है, मैंने कि कोई कोई बात करें, कोई मंत्रिमंडल का विस्तार हो उसकी बात करें,
मैं जब सारी बात से मैं छिक लेता ना, मैं यूं क्या करता, मैं अरे रहना ही नहीं चाहता तुम बात के कर तो मेरे को बहुत लोगों ने कहा जी आप फलाने से क्यों नहीं मिलते, आप झगड़े से क्यों नहीं मिलते, आप संघ के लोगों से क्यों नहीं मिलते। मैंने कहा मेरा मिलन का जी को नहीं करता, जहाँ से नहीं मिलता और मांगण खातर मैं मिलूँ नहीं, मांगा मैंने कहते अपने बाप पर नहीं, इनमें तो मांगूंगे था। तो इस प्रकार की स्थिति थी। तो और आपके साथ एक और चीज़ साझा करूँ, जब ये राहुल गांधी की जब ये पहली भारत जोड़ो यात्रा इसने शुरू करी थी ना सितंबर 2022 में, वह जब आज ही कोई थी, क्योंकि मेरी बहुत बहस हो जाती थी पार्लियामेंट में सेंट्रल हॉल में जब हम बैठते थे, लोग क्या करते देखो क्या बेवकूफ़ी का काम कर रहा है, के करके क्या फ़ायदा है फलाना ढिमकाना, और मैं उनके बीच में घुला रहा करता अपनी पार्टी वालों में। मैंने कहा यार ईसाई काम है, तू चाल ले 4,000 किलोमीटर नाते है तने कोई ठीक है, और ये सिर्फ चालना चालना नहीं है, सारा दिन सुबह से शाम तक हर आदमी आपके कान में आके बात करना चाहवे है, हर आदमी आपका हाथ पकड़ के फोटो खिंचवाना चाहवे है, और हर आदमी आपका इस्तेमाल करना चाहता है, और आपको ये पता होते हुए भी आपको संयम बरतना है और 5 महीने या 6 महीने लगातार आपको 4,000 किलोमीटर चलना है। मैंने कहा इतना सौखा होता तो कोई और कर लेता आज तक। महात्मा गांधी की दांडी यात्रा थी मेरा क्या किलोमीटर की थी, वह 320 किलोमीटर 330 किलोमीटर या कितनी थी, और वो उसका एक ऐतिहासिक हमारे हिंदुस्तान की जो आज़ादी का जो इतिहास है उसमें बहुत बड़ी उसकी भूमिका है। तो मेरा उस समय मन कर रहा था जब वो आधी गोली थी कि इसमें कूद जाऊं, मैं कई बार सोचा करता अच्छा या मैं साझा किसी से कर नहीं सकता, मैंने अपनी बहू नहीं भी नहीं बता रखी।